हाय गाइस, वेलकम टू कृतिकास मॉम किचन। आज मैं अपने लिए लहसुन की चटनी और मकई का आटा ली हूँ मकई की रोटी बनाने के लिए, और साथ में मैं इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी मैं कैसे मकई की रोटी बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना मकई की रोटी और लहसुन की चटनी। तो लहसुन की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, ये तीखी वाली है और आप इसका कलर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आता है और ये तीखा भी है। और लहसुन लिया मैंने और इधर मक्के की रोटी बनाने के लिए मकई ले लिया है, मकई का आटा है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लहसुन की चटनी बनाना शुरू करती हूँ, उसके बाद मकई की रोटी बनाऊंगी। तो लहसुन की चटनी बनाने में मुझे क्या क्या चाहिए ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती भी जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो लहसुन का इसका दरदरा सा पेस्ट तैयार करना है, तो वो मैं बताती जाऊंगी किस तरीके से करती हूँ, और साथ में इसका सूखी लाल मिर्च का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चटनी बनाना। तो सबसे पहले मैं लहसुन ले लेती हूँ और इतना लहसुन छोड़ दे रही हूँ, इसको खड़ा ही रखेंगे। इसका बिना पानी का ही पेस्ट बना लेती हूँ मैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके का बनाया है ये पेस्ट। पेस्ट नहीं है ये, बस लहसुन को ना मैंने हल्का सा इस तरह से मोटा दरदरा सा पीस लिया है। इसी तरीके पीसने से कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है तो चलिए इसमें सरसों तेल डालते हैं। सरसों तेल डाल दिया मैंने, और ये जो लहसुन है इसे देखिए, देख सकते हो आप, मैंने इसे दरदराई पीसा है। सेम इसी तरीके से सूखी लाल मिर्च को भी पीसते हैं। गैस को सिम करेंगे और लहसुन में जो छिलका होता है ना, थोड़ा सा ऐसे अपने हाथों से हल्का सा इसे हटा लेते हैं और इसे तेल में डाल देते हैं। और ये जो लहसुन मैंने पीस के रखा है इसे मैं निकाल लेती हूँ। सेम जार में मैं मिर्च को भी पीसूंगी, इसका हल्का सा डंठल तोड़ लेती हूँ मैं। और इस लहसुन को हल्का सा सिम पे ही भुनने देना है। तो ये देखिए मिर्च को भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, लहसुन में तो पानी नहीं डाला था लेकिन मिर्च में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और इतना अच्छा दरदरा सा तैयार हो चुका है पेस्ट। कढ़ाई में जो लहसुन मैंने डाला था बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो सबसे पहले मैं इसमें ये मिर्च का दरदरा सा पेस्ट डाल रही हूँ। और इसे धोकर भी डाल दूंगी, इसमें थोड़ा सा जो लगा हुआ है सारा यूज कर लूंगी। तो मिर्ची को कम से कम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। मिर्च को मैंने 1 मिनट तक बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा ये वाला मिर्च पाउडर, थोड़ा सा और नमक, बस इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और साथ में ये जो लहसुन का पेस्ट नहीं दरदरा सा तैयार किया था पेस्ट, इसे डालना है। बस गैस को सिम करके इसे अच्छे से लहसुन को पकने देते हैं, ताकि ये जो लहसुन खड़ा लहसुन थोड़ा सा मैंने डाला है ना, ये अच्छे से पक जाए। तो इसे गैस सिम करके पकने देते हैं। तो चलिए मकई का आटा को अच्छे से गूंथ लेते हैं, इसे रोटी बनाना है मुझे। तो सॉफ्ट नरम मुलायम आटा गूंथना है। तो चलिए मकई का आटा गूंथ लेते हैं एकदम नरम, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से नरम सा डो तैयार करना है इसका।
मकई के आटे में थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगता है। बिल्कुल अपने हाथों से इस तरीके से मसल मसल के, आटे से भी सॉफ्ट डो इसका बनेगा मकई का। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे बहुत ही अच्छे से नरम सो इसे तैयार कर लिया। तो चलिए मकई की रोटी बनाते हैं। तो ये लहसुन की चटनी बनके तैयार हो चुकी है, और जो मैंने खड़ा लहसुन डाला था ना, ये भी देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पक गया है। और मकई की रोटी बनाने के लिए मैंने आटे को भी गूंथ लिया गया। तो चलिए अब मकई की रोटी बनाते हैं। तो इधर मैंने तवा तैयार रखा है और चटनी को साइड करते हैं, तवा को गर्म होने देते हैं। तो मकई की रोटी के लिए मैंने आटा बहुत ही अच्छे से नरम नरम इस तरीके से गूंथ लिया है। इसका दो पेड़ा बना लेते हैं लोइयां। और इसे मैं अपने हाथों से नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे हाथ से बनाने नहीं आता है। तो ये मेरे पास वो पैकेट है, तेल मंगवाती हूँ उसी का ये पाउच है, तो मैंने इसे रखा है। तो इसे मैं इस पे बनाती हूँ रख के, बिल्कुल इस तरीके से करके बहुत ही अच्छे से बनता है इस पे भी। देख सकते हो आप बहुत ही अच्छे से बन गया ये। तो ये बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो चलिए तवा गर्म हो चुका है, तवा पे इसे डाल देते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये बन गया है। तो इसे अच्छे से पकने देते हैं, तब तक मैं ये दूसरा भी बना लेती हूँ। जिन्हें हाथ पर रोटी बनाने नहीं आती है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा टिप है कि आप इस तरीके से तेल का जो पाउच होता है ना, पाउच वाला तेल जो होता है, उसका पैकेट इस तरीके से रख ले, उस पर आप बहुत ही अच्छे से ये मकई की रोटी बना के खा सकते हो। जिन्हें नहीं आता वो भी बहुत अच्छे से बना के खा सकते हैं, बहुत आराम से ये बन जाता है। आप देख सकते हो बहुत आसान है बनाना। तो इसी तरीके से बना लीजिए। तो चलिए इसे पलट देते हैं। कितना अच्छे से तैयार हो गया ये रोटी, बहुत ही आसान है गाइस। और जो ये मैंने बताया ना रोटी बनाने के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना सकते हो, इसी तरीके से आप भी बनाइए। इसे अच्छे से पकने देंगे, चारों साइड से पलट पलट के अच्छे से पका लेंगे। इसे बिल्कुल दोनों साइड से इस तरीके से पलट पलट के अच्छे से पका लेना है। तो चलिए ये रोटी मेरी बन चुकी है मकई की। चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। गर्मा गर्म मकई की रोटी बनके तैयार हो चुकी है। तो ये जो मैंने दूसरा तैयार किया था, इसे भी डाल देती हूँ। आप देख सकते हो किस तरह से मैं डाल रही हूँ, है ना आसान। तो इसी ट्रिक से आप भी बनाइए, बहुत ही आसान से ये बन जाएगा मकई की रोटी। तो चलिए इसे भी पलट लेते हैं। बहुत ही अच्छे से इस साइड से पक चुका है, इसे भी पलट पलट के अच्छे से पका लेती हूँ।
तो ये लीजिए, ये भी रोटी बनके तैयार हो चुकी है। दोनों साइड से मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। तो चलिए, मकई की रोटी बन चुकी है, तो मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो मकई की रोटी बन चुकी है, तो इसके ऊपर लहसुन की चटनी को डालते हैं और इसके ऊपर घी। असली मजा तो मकई की रोटी घी के साथ आता है, तो इसमें ढेर सारा घी। बस इसे एंजॉय कीजिए। तो लीजिए, मैंने मकई की रोटी और लहसुन की चटनी झटपट से बना लिया गाइस। बहुत ही अच्छी लगती है और जल्दी बन जाती है। तो और मकई की रोटी का बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? मैंने बहुत ही आसान तरीके से मकई की रोटी, हमेशा मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, मकई की रोटी और लहसुन की चटनी? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलिएगा। तो चलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स।